मोहन शर्मा ब्लॉग में आपका दोस्तों स्वागत है। आज मैं आपको एक रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी ब्लडी मैरी की है। एक्चुअल में आपने वीडियो और ब्लॉग में देखा होगा कि मोमबत्ती जलाकर, कैंडल जलाकर लोग जो है तीन बार नाम लेने से मुझे के सामने नाम लेने से कहते हैं कि ब्लडी मैरी है। तो उसमें आज आपको रियल स्टोरी दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ब्लडी मैरी है कौन। तो इंग्लैंड के हेनरी नाम के राजा थे, कई पत्नियाँ थी, उनकी दो बेटी हुई। एक का नाम एलिजाबेथ और दूसरे का नाम मैरी था। हेनरी जो है मैरी से जो है प्रेम नहीं करते थे, मतलब उसको नहीं चाहते थे अपनी बेटी को, और उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे और उसके साथ नौकरों के नेता सलूक करते थे। 1575 के करीब जो है हेनरी की मौत हो गई। तो राजा ने जो है उसकी बेटी को मैरी को रानी बना दिया। उस समय क्या था, इंग्लैंड में जो है काफ़ी उथल पुथल थी, मतलब आपस में ही लोग लड़ाई कर रहे थे। दो धर्म के लोग आपस में भिड़े थे। ये दो धर्म कौन थे, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट थे। तो रानी कहे कि नहीं, इंग्लैंड में केवल एक ही धर्म होगा, और जो उनकी बात नहीं मानता था उसको वो आग में जलवा देती थी। और रानी के बारे में ये भी कहा जाता था कि वह बहुत ही क्रूर थी। तांत्रिक के पास गई तो उन्होंने बताया कि इनके जो है शरीर में भूत है, भूत का वास हो गया है। और इस बात से वह चिंतित रहने लगी और उन्होंने मृत्यु हो गई, उनकी लास्ट में मृत्यु हो गई। इसी बात से श्रापित हो गई, श्रापित लोग उन्हें कहने लगे और ब्लडी मैरी का नाम।